यानी पर्सनल लोन्स उसकी जरूरत से ज़्यादा है तो वो उसे ट्रांसफ़र कर सकता है अपने दूसरे स्पाउस को ये सिंपली कह सकते हैं टेन परसेंट ऑफ पर्सनल अलाउंस है यू नो दैट किस साल का पर्सनल अलाउंस ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड है इसका टेन परसेंट बनता तो ट्वेल्व फिफ्टी सेवन है बट उसे उन्होंने मेंशन कर दिया कि ट्वेल्व सिक्सटी की अमाउंट है जो एग्जैक्टली exactly ट्रांसफ़र की जा सकती है द अमाउंट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसफरेबल अमाउंट इसी को ट्रांसफरेबल अमाउंट भी कहा जाता है और ये ट्वेल्व सिक्सटी फिक्स है टैक्स ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्रांसफरिंग स्पाउस के हवाले से पर्सनल लोन्स की क्या ट्रीटमेंट है कि पर्सनल लोन्स को जो पर्सन ट्रांसफर कर रहा है जो स्पाउस ट्रांसफर कर रहा है उसका पर्सनल लाउन्स रिड्यूस कर दिया जाएगा ट्वेल्व हंड्रेड एंड सिक्सटी से यानी नॉर्मली एक पर्सन का जो पर्सनल अलाउंस है वो है ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड सेवेंटी अब अगर इसमें से वो अपने स्पाउस को अपने दूसरे पार्टनर को ट्रांसफर कर देता है मैरिज अलाउंस जो कि ट्वेल्व सिक्सटी की अमाउंट एग्जैक्टली exactly वो ट्रांसफ़र कर सकता है तो उसके ट्रांसफ़र करने के बाद रिमेनिंग अमाउंट उसके पास जो रह जाएगी वो होगी अलेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड टेन राइट सो ये ट्रांसफर जो है जो ट्रांसफ़रर है जिसने ट्रांसफ़र किया है अपना पर्सनल लाउंस उसके हवाले से ट्रीटमेंट लेकिन जो ट्रांसफ्री है जिसे बेनिफिट मिल रहा है मैरिज अलाउंस का उसका पर्सनल अलाउंस इंक्रीज नहीं किया जाएगा इट इज़ नॉट सो कि एक का पर्सनल अलाउंस डिक्रीज़ कर दिया गया तो दूसरे का पर्सनल अलाउंस इंक्रीज़ कर दिया जाएगा नो जो ट्रांसफ्री है उसकी जो टैक्स लाइबिलिटी है उस टैक्स लायबिलिटी में एग्जैक्टली टू फिफ्टी टू की रिडक्शन कर दी जाएगी ट्रांसफरी जो मैरिज अलाउंस का बेनिफिट रिसीवर है उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है उसका पर्सनल अलाउंस इंक्रीज नहीं किया जाएगा इंस्टेड, ये जो पर्सनल अलाउंस है ट्वेल्व हंड्रेड एंड सिक्सटी उसका ट्वेंटी परसेंट टू हंड्रेड एंड फिफ्टी टू उसकी टैक्स लाइबिलिटी में से रिड्यूस कर दिया जाएगा क्वेश्चन अलाइजिस वट इफ़ रिशिपेंट्स टैक्स लाइबिलिटी इज लेस दैन टू फिफ्टी टू यानी फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन की टैक्स लाइबिलिटी ही हंड्रेड है और उसे एज ए रिजल्ट ऑफ रिसीविंग मैरिज अलाउंस उसे टू हंड्रेड एंड फिफ्टी टू की टैक्स लाइबिलिटी में रिडक्शन अवेलेबल है तो क्या बाकी अमाउंट माइनस वन फिफ्टी टू आएगी माइनस वन फिफ्टी टू मीन्स कि ये बाकी रिमेनिंग अमाउंट क्या वो टैक्स अथॉरिटी से रिक्लेम कर सकते हैं तो आंसर इसका नो आपके पास अगर उस पर्सन की जो है टैक्स लाइबिलिटी कम है तब भी एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिडक्शन इन टैक्स लाइबिलिटी टैक्स लाइबिलिटी नील हो सकती है ये दोबारा रिक्लेम नहीं की जा सकती सो इज देर एनी टैक्स रिपेमेंट आंसर इज नो नो अनदर क्वेश्चन इफ़ यू अर्न थर्टी थाउजेंड ये मैरिज अलाउंस के ट्रांसफ़र होने या ना होने से टैक्स लाइबिलिटी में कपल की टैक्स लाइबिलिटी में क्या फ़र्क पड़ता है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन है इफ़ यू अर्न थर्टी थाउजेंड अ ईयर एंड योर बेसिक रेट टैक्स पेयर एंड योर पार्टनर अर्नस एट थाउजेंड हम पार्टनर अर्न कर रहा है एट थाउजेंड वट डज इट मीन्स कि पर्सनल लोन्स तो उसका ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड सेवेंटी है तो ये पर्सनल अलाउंस उसकी ज़रूरत से ज़्यादा है सो दैट इज़ वे जो अदर पार्टनर है योर पार्टनर ही कैन ट्रांसफ़र द मैरिज अलाउंस टू यू एंड दे आर अ नॉन टैक्स पेयर उसे टैक्स पे नहीं करना वाइसो बिकॉज एट थाउजेंड उसकी इनकम है ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ पर्सनल अलाउंस ऑफ ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड सेवेंटी उसकी टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी ख़त्म हो जाएगी नील पर पहुँच जाएगी अब पार्टनर वन के हवाले से हम विदाउट मैरिज के हवाले से कंसिडर कर रहे हैं पार्टनर वन की इनकम थर्टी थाउजेंड पर्सनल लाउंस के डिडक्शन के बाद टैक्सेबल इनकम आ गई सेवनटीन थाउजेंड फोर थर्टी तो टैक्स लाइबिलिटी सेवनटीन थाउजेंड फोर थर्टी पे एट द रेट ऑफ ट्वेंटी परसेंट क्योंकि बेसिक रेट पेयर है तो ऐट द रेट ऑफ़ ट्वेंटी परसेंट ये आ जाएगी थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड एटी सिक्स ये विदाउट ट्रांसफरिंग मैरिज अलाउंस है और सेकेंड पार्टनर की एट थाउजेंड इनकम है जो कि पर्सनल अलाउंस की अवेलेबिलिटी की वजह से नील हो जाएगी अब कम्बाइनली दोनों पार्टनर्स को जो टोटल टैक्स पे करना पड़ेगा वो थ्री हंड्रेड थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड एटी सिक्स है नो इफ़ दे हैव डिसाइडेड टू ट्रांसफर द मैरिज अलाउंस हु इज़ द ट्रांसफर एंड हु इज़ द ट्रांसफरी ट्रांसफर ये है सेकेंड पार्टनर और ये ट्रांसफरी है बेनिफिट रिसीव करने वाला सो so, ट्रांसफर के वाले से क्या होता है उसका पर्सनल अलाउंस रिड्यूस कर दिया जाता है एंड यू नो दैट रिड्यूस करके कितना कर दिया जाएगा अलेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड टेन नो इसका मैरिज अलाउंस रिड्यूस हो गया लेकिन फिर भी इतना है ये इतना वेल well एनफ है कि उसकी एट थाउजेंड की इनकम को ख़त्म कर देगा सो दैट इज़ वे ट्रांसफ्री के ट्रांसफर के हवाले से कोई फ़र्क नहीं पड़ा अभी भी उसकी इनकम एट थाउजेंड उसके पास अवेलेबल पर्सनल अलाउंस से कम है सो दैट इज़ वे उसकी टैक्स लाइबिलिटी निल होगी अब ट्रांसफ्री को क्या बेनिफिट मिलेगा उसकी टैक्स लाइबिलिटी तक तो हम वैसे ही कैलकुलेशन करेंगे इनकम लेस पर्सनल अलाउंस इज इक्वल टू टैक्सेबल इनकम और उस टैक्सीबल इनकम पे हमने कैलकुलेट करना है टैक्स एट द रेट ऑफ ट्वेंटी परसेंट तो वो थ्री थाउजेंड फोर एटी सिक्स आ गया नो ही हैज अ बेनिफिट वो क्या कि उसे टैक्स लाइबिलिटी में टू हंड्रेड एंड फिफ्टी टू की रिडक्शन मिल रही है इस तरह इसकी टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस होकर थ्री थाउजेंड्रेड टू हंड्रेड एंड थर्टी फोर होगी ना बोथ ऑफ द स्पाउसाइनली पे द टैक्स थाउजेंड टू हंड्रेड एंड थर्टी फोर सो एज अ रिजल्ट ऑफ मैरिज अलाउंस बेनिफिट क्या इन्हें मिल रहा है कंबाइनली उनकी टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है नाउ यू कैन डू इलास्टेशन थ्री फोर फाइव सिक्स एंड टेस्ट अंडरस्टैंडिंग थ्री फ्रॉम द दैप्टन स्टडी टैक्स अच्छा ये ट्रांसफर करना है मैरिज अलाउंस या नहीं ट्रांसफर करना इसके हवाले से इलेक्शन इन एडवांस भी किया जा सकता है इन एरियर्स भी किया जा सकता है तो इन एडवांस अगर करना चाहें तो दिस कुड बी डन बाय फिफ्थ अप्रैल ट्वेंटी थ्री ठीक है और जब तक ये इलेक्शन विदड्रा ना किया जाए अगले सालों के लिए भी यही समझा जाएगा कि मैरिज अलाउंस ट्रांसफ़र ही होना है इफ़ बोथ द डिसाइडेड और इलेक्टेड टू ट्रांसफ़र द मैरिज अलाउंस इन दैट केस क्या होगा अगर ये इलेक्शन ये एडवांस में कर रहे हैं तो दैट शुड बी डन बाय फिफ्थ अप्रैल 23 और अगली इम्प्लीशन क्या है कि एक दफ़ा अलेक्ट कर लिया इन एडवांस तो आपके अगले सारे सालों के लिए दोबारा अलक्ट करने की ज़रूरत नहीं हर साल आपका यही समझा जाएगा कि मैरिज अलाउंस ट्रांसफ़र ही किया जाए और अगर इन एरियर इलेक्शन किया जा रहा है बाद में इलेक्शन किया जा रहा है तो उसके लिए डेट फिफ्थ अप्रैल ट्वेंटी है लेकिन आप इस सिलसिले में सिर्फ यही अंडरस्टैंड करेंगे कि ये सिर्फ इलेक्शन टैक्स ईयर 22-23 के लिए इन आइसोलेशन है राइट सो दीज आर द पॉइंट्स दैट कैन बी आस इन एम सी क्यूज ऑफ मैरिज अलाउंस कैन बी डन इन एडवांस इफ इट इन एडवांस तो ये फिफ्थ अप्रैल 23 तक कर देना चाहिए एंड सेकेंड बात यह कि अगर एक दफ़ा आप ये इलेक्शन कर लेते हैं एडवांस में तो जब तक आप ये इलेक्शन विड्रा नहीं कर लेते तब तक ही समझा जाएगा कि ये इलेक्शन अगले सालों के लिए भी है यानी 22-23 के लिए भी इलेक्शन हो गया 23-24 के लिए भी 24-25 के लिए भी तब तक जब तक आप विदड्रा नहीं कर लेते या आपका इलेक्शन करना जो है वो फिजिबल नहीं रहता और इन एरियर यानी बाद में अगर आपकी इलेक्शन करना चाहें तो उसकी डेट फिफ्थ अप्रैल ट्वेंटी सेवन है इन दैट केस सिर्फ यही समझा जाएगा कि उसी पर्टिकुलर ईयर यानी टैक्स ईयर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री के लिए ही ये इलेक्शन किया गया है पे एस यू अन पे एस यू एन एक स्कीम है जिसके तहत जो है एम्प्लॉयर से एच एम आर सी ये रिक्वायर करता है कि एम्प्लॉज़ को पे देते वक्त टैक्स विदहल कर दिया जाए और वो टैक्स एम्प्लॉयर एम्प्लाई के बिहाफ पे टैक्स अथॉरिटीज़ को पे करेगा तो अगर किसी की पे वन लैक है तो टैक्स अथॉरिटीज़ रिक्वायर करती हैं कि हर महीने उसकी इनकम में से इतने परसेंट टैक्स लक्ष से टेन परसेंट टैक्स डिडक्ट करके एच एम आर सी को पे कर दिया जाए सो दिस इज़ नोन फ्रॉम द एम्प्लॉज़ पॉइंट ऑफ व्यू एज पे एज़ यू अर्न दैट दे आर पेइंग टैक्स जैसे जैसे वो अर्न कर रहे हैं So, what is the system? System of income tax withholding by employers. Generally, employment income is received by employee after income tax has been deducted. Generally, employee jo income received that is after income tax deduction. So employer is required to deduct income tax from employment income and pay it to HMRC on behalf of employee. और एम्प्लॉई के बिहाफ पे एम्प्लॉयर ने ये पे कर देना है अब एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ दिस पे एज़ यू अर्न स्कीम देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इनकम टैक्स लाइबिलिटी एंड इनकम टैक्स पेबल। तो आपके पास इनकम टैक्स लाइबिलिटी में से अगर आप पे एज़ यू अर्न की अमाउंट डिडक्ट कर दें यू विल गेट इनकम टैक्स पेबल यानी अगर साल के एंड में मेरी टैक्स लाइबलिटी बनी है फिफ्टी थाउजेंड लेट्स से फॉर एग्जांपल फिफ्टी थाउजेंड टैक्स लाइबिलिटी बनी है। और हर महीने मेरी पे से जो अमाउंट टैक्स की डिडक्ट होती है उसके तहत मैं थर्टी थाउजेंड ऑलरेडी टैक्स एच एम आर सी को थ्रू माई एम्प्लॉयर जमा करा चुका हूँ तो एट द एंड ऑफ द ईयर मेरी टैक्स लाइबिलिटी क्या रह जाएगी ओनली ट्वेंटी थाउजेंड राइट सो दिस इज सेट टू बी इनकम टैक्स पेबल ये वो अमाउंट है मेरे लिए कि जो अब मैंने पे करनी थी साल की टैक्स लाइबिलिटी जो कैलकुलेट की जा रही है दैट इज़ इन अकॉर्डेंस मू माई इनकम अर्न जितनी मैंने इनकम अर्न की है जितनी मेरी टैक्सीबल इनकम है उसके मुताबिक है लेकिन उस टैक्स लाइबिलिटी में से क्योंकि मैं पे एज अर्न स्कीम के तहत पे कर चुका हूँ सो दैट इज़ वाई रिमेनिंग अमाउंट मेरी ट्वेंटी थाउजेंड कंसिडर की जाएगी इनकम टैक्स पेबल तो पेपर में दिस पॉइंट ऑफ दिस पॉइंट शुड बी केयरफुली कंसिडर दिस पॉइंट इज़ गिवन इन एग्ज़ाम फोकस दैट मैनी स्टूडेंट्स में ये मिस्टेक करते हैं कि इनकम टैक्स पेबल कैलकुलेट करना हो तो लाइबिलिटी तक ही कैलकुलेट करते हैं या लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी हो तो पेबल कैलकुलेट करके मैंशन कर देते हैं दैट इज़ रॉन्ग आपसे जो रिक्वायरमेंट की जाए क्वेश्चन की आपको उसी को फॉलो करना है Alex has a trading income of forty-five thousand and employment income of fifteen thousand for the tax year twenty-two twenty-three. He does not have any saving or dividend income. Pay as you earn twenty-four hundred है एंड इट वॉज डिरेक्टेड फ्राम हिज एम्प्लॉयमेंट इनकम तो सिंपली हमने इस परसन की टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है एंड देन उसमें से पे एज यू एन लेस कर देना है ट्रेडिंग इनकम इसकी है फोर्टी फाइव थाउजेंड एम्प्लायमेंट इनकम है इसकी फिफ्टीन थाउजेंड सो टोटल इनकम होगी इसकी सिक्सटी थाउजेंड इस सिक्सटी थाउजेंड में से पर्सनल अलाउंस ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड सेवेंटी डिडक्ट किया आपके पास इसकी टेक्सीबल इनकम आगी फोर्टी सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड थर्टी अब इस पर टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है फर्स्ट थर्टी सेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड की इनकम पे टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट की जाएगी ट्वेंटी परसेंट एंड दैट इज़ सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फोर्टी एंड देन हमने ये कंसिडर करना है हाउ मच ऑफ इज इनकम इज इन एक्सेस ऑफ थर्टी सेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड तो ये आ जाती है नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड थर्टी इस नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड थर्टी की इनकम पे टैक्स लाइबिलिटी फोर्टी परसेंट की कैलकुलेट की जाएगी तो ये फोर्टी परसेंट आ गया आपके पास थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड एंड नाइन्टी टू सो टोटल टैक्स लाइबिलिटी आपके पास आ गई अलेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड थर्टी टू लेट मी चेक इट अगेन प्लस सेवन फोर फाइव फोर ज़ीरो थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड थर्टी टू अब इसमें से ट्वेंटी फोर हंड्रेड जो हमने पे एज़ यू अन की अमाउंट बल्कि हमें क्वेश्चन में गिवन है वो डिडक्ट कर देंगे तो इनकम टैक्स पेबल आ जाएगा नाइन थाउज़ेंड थर्टी टू सो इट इज़ लाइक दैट कि आपके पास इनकम टैक्स लाइबिलिटी ये आ रही है अलेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड थर्टी टू राइट इसमें से पे एज यू अन एज पर क्वेश्चन यू हैव बिन गिवन एंड दैट इज़ ट्वेंटी फोर हंड्रेड सो ये डिडक्ट कर दिया आपने ट्वेंटी फोर हंड्रेड तो रिमेनिंग अमाउंट आपके पास आ जाएगी दैट इज़ नोन एज इनकम टैक्स पेबल एंड दैट इज़ नाइन थाउजेंड एंड थर्टी टू सो दिस इज़ दफेक्ट ऑफ पे आज नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलीफ अगेंस्ट टोटल इनकम टोटल इनकम के अगेंस्ट जो रिलीफ है ये आपकी टोटल इनकम को रिड्यूस कर देता तो ये कुछ सर्टन पेमेंट्स हैं और ट्रेडिंग लॉसेस हैं कि जो आपकी टोटल इनकम को रिड्यूस कर देते हैं और इनकी इम्प्लिकेशन क्या है कि आप टोटल इनकम में से ये सर्टन पेमेंट डिडक्ट कर देंगे टू अराव एट नैट इनकम रिमेंबर एट स्टार्ट हमने कंसिडर किया था दिस इज सेट टू बी आवर टोटल इनकम एज अ डिडक्शन ऑफ रिलीफ आपके पास नेट इनकम रिड्यूस हो जाएगी इस रिलीफ़ की अवेलेबलिटी की वजह से तो रिलीफ क्या है ये सर्टन पेमेंट्स हैं यह आपके पास ट्रेडिंग लॉसेस हैं सो रिलीफ इज अवेलेबल बाई डिडक्टिंग पेमेंट लॉसेस फ्राम द टोटल इनकम सब्जेक्ट टू द मैक्म अमाउंट ऑफ रिलीफ ओनली पेमेंट डिडक्टेबल फ्रॉम टोटल इनकम इज़ क्वालीफाइंग इंटरेस्ट पेमेंट आपके पास आपके सिलेबस के लिहाज से जो अमाउंट डिडक्टेबल है टोटल इनकम से टी एक्स एग्जामेशन में पेमेंट वो है आपकी क्वालिफाइंग इंटरेस्ट पेमेंट इसके अलावा एक और रिलीफ आपके पास अवेलेबल है दैट इज कंट्रीब्यूशन टू ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम है सो ओनली पेमेंट डिडक्टेबल इज़ क्वालिफाइंग इंटरेस्ट पेमेंट क्वालिफाइंग इंटरेस्ट पेमेंट का क्या मतलब है क्वालिफाइंग इंटरेस्ट पेमेंट वो इंटरेस्ट है कि जो आप उन लोन पे पे करते हैं जो कि क्वालिफाइंग पर्पस के लिए लिए गए हैं अगर आपने लोन क्वालिफाइंग पर्पस के लिए लिया है तो उस पर जो इंटरेस्ट पेमेंट की जा रही है दैट इज़ सेट बी क्वालिफाइंग इंटरेस्ट पेमेंट अब बट ओनली बट ओनली इंटरेस्ट पेड एट रिजनेबल कमर्शल रेट इज़ कंसिडर्ड एज क्वालिफाइंग इंटरेस्ट पेमेंट अब हम इस बात की डिटेल कंसिडर करते हैं कि वट इज़ मीन बाई क्वालिफाइंग परपज़ क्या है लोन टू बाई प्लान मशीनरी ताकि उसे आप यूज़ कर सकें पार्टनरशिप बिजनेस में या अपनी एम्प्लॉयमेंट में लोन लिया आपने किस लिए कि प्लांट एंड मशीनरी परचेज करें ये प्लांट मशीन मशीनरी आपने कहाँ यूज़ करना है पार्टनरशिप बिजनेस में या अपनी एम्प्लॉयमेंट में अब इस वाले से फर्दर पॉइंट ये है कि इंटरेस्ट जो है आपको तीन साल तक अलाउ किया जाता है फ्रॉम द एंड ऑफ टैक्स ईयर इन विच लोन वॉज टेकन आउट कि जिस साल आपने लोन लिया था जैसे ट्वेंटी टू में आपने लोन लिया तो उसकी टैक्स ईयर एंडिंग डेट फिफ्थ अप्रैल ट्वेंटी है तो फिफ्थ अप्रैल ट्वेंटी थ्री से अगले तीन साल तक ये इंटरेस्ट आपकी क्वालिफाइंग इंटरेस्ट पेमेंट के तौर पे डिडक्ट किया जा सकता है सेकंड बात ये कि अगर प्लांट और मशीनरी पार्टली यूज़ किया जा रहा है फॉर प्राइवेट पर्पस, यानी लिया तो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए था या पार्टनरशिप में यूज़ करने के लिए था लेकिन कुछ कभी कभार उसे प्राइवेट पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है तब फिर इंटरेस्ट भी जो है अपोर्शन कर दिया जाएगा इंटरेस्ट भी क्वालिफाइंग इंटरेस्ट पेमेंट भी सिर्फ वही कंसिडर की जाएगी कि जो एसेट आपने बिज़नेस पर्पज़ के लिए यूज़ किया या जितनी परसेंटेज आपने एसेट की बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ की उतना ही परसेंट इंटरेस्ट आपका क्वालिफाइंग इंटरेस्ट पेमेंट के लाएगा सो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट कि लोन आप ले रहे हैं टू बाय द प्लांट एंड मशीनरी ताकि आप उसे पार्टनरशिप या एम्प्लॉयमेंट में यूज़ करें और उसकी इम्प्लिकेशन भी ये मैंशन की गई है सेकेंड पॉइंट लोन टू इन्वेस्ट इन पार्टनरशिप पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट आप कैपिटल की फॉर्म में भी कर सकते हैं और लोन की फॉर्म में भी एक पार्टनर partner अपने पार्टनरशिप बिजनेस को लोन भी प्रोवाइड कर सकता है और कैपिटल भी सो so ये भी क्वालिफाइंग पर्पस है यानी अगर आपने पार्टनरशिप बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोन लिया है तो ये क्वालिफाइंग पर्पस है अब इसकी क्या एम्प्लीकेशन है इंडिविजअल मस्ट बी पार्टनर तो इंडिविजुअल का पार्टनर होना इसमें ज़रूरी है थर्ड पॉइंट है लोन टू बाय इंटरेस्ट इन एम्प्लाई कंट्रोल कंपनी आपने लोन लिया है ताकि आप एम्प्लाई कंट्रोल कंपनी में अपना शेयर कोई परचेज कर सकें इंटरेस्ट परचेज कर सकें अब इस सिलसिले में कंपनी मस्ट बी अनकोटेड रेजिडेंट कंपनी विद एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट वोटिंग शेयर हर एम्प्लाइज और इसके फिफ्टी परसेंट शेयर्स एम्प्लाइज के पास हों आपके पास थर्ड पॉइंट है कि लोन लिया गया है ताकि एम्प्लाई कंट्रोल कंपनी में इंटरेस्ट परचेज किया जा सके अब इसके लिए एम्प्लाई कंट्रोल कंपनी के लिए क्या शरायत हैं कि ये अनकोटेड रेजिडेंट कंपनी होनी चाहिए एंड इसके फिफ्टी परसेंट शेयर एम्प्लाईज़ के पास होने चाहिए लास्ट है लोन टू इन्वेस्ट इन कोऑपरेटिस्ट तो ये चार पर्पस आपके पर्पस कंसिडर किए जाते हैं नौ इसके हवाले से क्वेश्चन मैरी हैज़ अ टोटल इनकम ऑफ सिक्सटी फाइव थाउजेंड नन ऑफ विच इज सेविंग और डिविडेंड इनकम शी मेड इंटरेस्ट पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर टोटलिंग फोर थाउजेंड ऑन हिज मोर्डगेज फॉर हिज प्राइवेट मेन प्राइवेट रेजिडेंस तो अगर मेन प्राइवेट रेजिडेंस के लिए लोन लिया जा रहा है तो दिस इज़ नॉट द क्वालिफाइंग पर्पस ये क्वालिफाइंग पर्पस नहीं है रॉजर हैज़ टोटल इनकम ऑफ सिक्सटी फाइव थाउजेंड रॉजर की भी इनकम सिक्सटी फाइव थाउजेंड है नन ऑफ विच इज़ सेविंग और डिविडेंड इनकम और उसमें से भी कोई सेविंग इनकम और डिविडेंड इनकम नहीं है रॉजर मेड इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ फोर थाउजेंड और अ लोन टू इन्वेस्ट इन अ पार्टनरशिप अब उसने लोन लिया है ताकि इन्वेस्टमेंट की जा सके पार्टनरशिप में इन ही इज पार्टनर जिसमें वो पार्टनर है

फिफ्टी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड थर्टी एंड रिम्बर हमें टेक्सीबल इनकम कैलकुलेट करने का कहा गया टैक्स लाइबिलिटी नहीं सो दैट इज़ अबाउट मैरी रॉजर के हवाले से अगर हम कंसिडर करें तो रॉजर की टैक्सीबल इनकम सिक्सटी फाइव थाउजेंड ही है दिस इज हिज टोटल इनकम इस टोटल इनकम में से रिलीफ जो क्वालिफाइंग इंटरेस्ट पेमेंट है दैट इज़ रिलीफ बिकॉज इट इज़ फॉर क्वालिफाइंग पर्पज़ सो फोर थाउजेंड की आपके पास इंटरेस्ट पेमेंट डिडक्ट कर दी जाएगी सो so, इस परसन की नेट इनकम आ जाएगी सिक्सटी वन थाउजेंड और इस सिक्सटी वन थाउजेंड में से पर्सनल अलाउंस डिडक्ट किया जाएगा दैट इज़ ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड सेवेंटी एंड आफ्टर डिडक्शन ऑफ दिस उसकी इनकम रह जाएगी फोर्टी एट थाउजेंड फोर थर्टी सो दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑन टैक्सपल इनकम ऑफ क्वालिफाइंग इंटरेस्ट पेमेंट नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गिफ्टेड डोनेशन गिफ्टेड डोनेशन स्कीम के हवाले से अगर डोनर जो है चैरिटी देता है गिफ्टेड डोनेशन डिक्लेयर कर देता है, कि है तो ऐसे कि ये गिफ्टेड डोनेशन है तो गिफ्टेड डोनेशन ट्रीट ऐसे किया जाता है कि जैसे दिस इज पेड नेट ऑफ ट्वेंटी परसेंट रिलीफ कैसे दिया जाएगा बेसिक रेड बैंड या हाई रेड बैंड को एक्सटेंड करके इंक्रीज करके एनी सिंपली अगर एक पर्सन जो है वो गिफ्ट डोनेशन के लिए पेमेंट कर रहा है तो उसकी पेमेंट एटी परसेंट ऑफ ग्रॉस पेमेंट कंसिडर की जाएगी फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन ने सिक्सटीन हंड्रेड पे किए एज गिफ्ट डोनेशन पेड किए राइट तो इट मीन्स दैट इट इज़ नेट ऑफ ट्वेंटी परसेंट वट डज इट मीन्स कि ये 80 परसेंट ऑफ़ द ग्रॉस अमाउंट है जो उसने पे किए तो इसकी ग्रॉस अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए इस सिक्सटीन हंड्रेड को एटी परसेंट से डिवाइड कर देंगे एंड यू विल गेट द ग्रॉस अमाउंट एज टू थाउजेंड और ये आ गया आपके पास टू थाउजेंड ग्रॉस अमाउंट अब आपका जो बेसिक रेट बैंड है थर्टी सेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड वो टू थाउजेंड से एक्सटेंड कर दिया जाएगा यानी अब आपकी इनकम जो अप अपू थर्टी नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड है उस पर ट्वेंटी परसेंट पे टैक्स इम्पोज किया जाएगा एंड सेकेंड आपका जो हाई रेट बैंड है उसकी अपर लिमिट वन लाख फिफ्टी थाउजेंड है एंड दैट वन लाख फिफ्टी थाउजेंड इज़ ऑल्सो इंक्रीज बाई टू थाउजेंड सो दिस विल बी वन लैख फिफ्टी टू थाउजेंड राइट सो ये इम्पैक्ट है ग्रॉस गिफ्टेड डोनेशन का कि इस पर टैक्स रिलीफ कैसे दिया जाता है आपकी टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस कैसे होती है बेसिक रेट बैंड और हायर रेट बैंड को एक्सटेंड करके मीन्स मोर ऑफ द इंडिविजुअल इनकम इज टैक्स एट लेसर रेट शैली अन करिए सैलरी वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड की ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री में जनवरी ट्वेंटी थ्री में शी मेड अ गिफ्ट डोनेशन रिक्वायर है कि शैली की इनकम टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करें इफ शी मेड डोनेशन फोर थाउजेंड ग्रॉस और फोर थाउजेंड नेट तो हम इसके हवाले से इम्प्लिकेशन कंसिडर करते हैं देर आर डिफरेंट इम्प्लीकेशन इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट ये कि आप ये देखें कि उसकी इनकम वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड है दिस इज हट टू बी हिज नेट इनकम और हर नेट इनकम राइट वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड एज ही मेड आ ग्रॉस गिफ्टड डोनेशन तो पहली बात है कि उसकी एडजस्टेड नेट इनकम कैलकुलेट करने की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू फाइंड एनी एडजस्टमेंट इन पर्सनल अलाउंस सो फॉर्ट इज द एडजस्टेड नेट इनकम ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन तो ये हम पहले कैलकुलेट करते हैं दैट इज़ वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड उसकी नेट इनकम है इसमें से ग्रॉस अमाउंट रिमेंबर दैट एडजस्टेड नेट इनकम फाइंड आउट करने के लिए नेट इनकम में से दो चीज़ें डिडक्ट की जाती हैं ग्रॉस गिफ्टेड डोनेशन और ग्रॉस पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन इस क्वेश्चन में हमें पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन तो नहीं दी हुई लेकिन ग्रॉस आपके पास जो गिफ्ट डोनेशन है उसकी अमाउंट फोर थाउजेंड लेस कर देंगे आपके पास एडजस्टेड नेट इनकम आ जाएगी वन लैख सिक्सटीन थाउजेंड ना रिमेंबर दिस पॉइंट अगर आपकी एडजस्टेड नेट इनकम इन बिटवीन वन लैख एंड वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड वन फोर्टी है तो आपको अपने पर्सनल अलाउंस को एडजस्ट करना है सो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई हाउ मच ऑफ योर इनकम इज एक्सेस ऑफ के पहले से मेंशन करेंगे एडजस्ट एडजस्टमेंट टू पर्सनल लोन्स आइडेंटिफाई किया अपने पोर्शन के कितना इन एक्सेस ऑफ़ वन लैख है सो दैट इज़ 16,000 इसका हाफ आप फाइंड आउट करेंगे इसे 50 परसेंट से मल्टीप्लाई करके तो ये आ जाएगा 8,000 अब ये जो 8,000 की अमाउंट है ये पर्सनल अलाउंस 12,570 में से डिडक्ट कर देंगे और आपके पास एडजस्टेड पर्सनल अलाउंस आ जाएगा फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड सेवेंटी दिस इज सेट टू बी एडजस्टेड पर्सनल लाउंड थर्ड बात आपने ये करनी है कि आपने ये देखना है कि वट इज द एक्सटेंडेड बेसिक रेट पेंट तो बेसिक रेट बैंड आपका थर्टी सेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड तक आता है लेकिन यहाँ पे ये एक्सटेंड हो जाएगा कितनी अमाउंट से एक्सटेंड हो जाएगा ग्रॉस गिफ्ट एड डोनेशन से विच इज़ फोर थाउजेंड सो नो एक्सटेंडेड रेट बैंड इज़ फोर्टी वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड सो ये तीन वर्किंग आपको करनी है इस क्वेश्चन के लिए फर्स्ट यू नीड टू कैलकुलेट एडजस्टेड नेट इनकम इन ऑर्डर टू एडजस्ट द पर्सनल लोन्स सेकेंड आपने पर्सनल लोन्स को एडजस्ट करना है और एडजस्टमेंट के मुताबिक अब एडजस्टेड पर्सनल लोन्स आपके पास है फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड सेवेंटी का एंड देन बेसिक रेट बैंड को आपने एक्सटेंड करना है और बेसिक रेट बैंड आपके पास एक्सटेंड होके आ जाएगा फोर्टी वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड सो दीज आर द्री वर्किंग यू हैव टू डू सो नाउ सॉल्व द क्वेश्चन बिकॉज क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट आपके पास है कि इनकम टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है सो दैट पर्सन हैज़ अ इनकम ऑफ टोटल इनकम और नेट इनकम एक ही होगी क्योंकि रिलीफ कुछ नहीं है तो हम नेट इनकम से ही स्टार्ट करते हैं ए पार्ट के लिए कि जब उसकी ग्रॉस गिफ्टेड डोनेशन की अमाउंट है रिमेंबर ए पार्ट में ये ग्रॉस गिफ्टेड डोनेशन की बात मेंशन की गई है सो नेट इनकम इज वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड इसमें से पर्सनल अलाउंस एडजस्टेड पर्सनल अलाउंस आप प्लस करेंगे तो एडजस्टेड पर्सनल अलाउंस आपके पास हमने कैलकुलेट किया था दैट इज फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड सेवेंटी सो इट शुड बी सब्ट्रैक्टेड एंड रिमेनिंग इज टेक्सबल इनकम टेक्सबल इनकम आ गई आपके पास मन लाख फिफ्टीन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड थर्टी अब इस वन लाख फिफ्टीन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड थर्टी की जो टैक्सबल इनकम है इस पे टैक्स लाइबिलिटी कल्कुलेट करनी है फर्स्ट थर्टी सेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड की इनकम पे बल्कि नहीं थर्टी सेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड नहीं बिकॉज वी हैव ना एक्सटेंडेड रेट पैंड एंड देट इज़ फोर्टी वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड तो फोर्टी वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड की इनकम पे टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट होगी ट्वेंटी परसेंट सो वट इज़ ट्वेंटी परसेंट ऑफ फोर्टी वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड दिस इज एट थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी देन इसके बाद उसकी कितनी इनकम है वन लाख फिफ़टीन थाउजेंड फोर थर्टी तो वन लाख फिफ्टीन थाउजेंड फोर थर्टी में से फोर्टी वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड सब कर देंगे सो सेवेंटी थ्री थाउजेंड सेवन थर्टी जो आपके पास एक्सेस इनकम है द बेसिक रेट बैंड उस पर फोर्टी परसेंट पे, पे टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट की जाएगी सो दैट विल बी ट्वेंटी फोर थाउजेंड फोर नाइन्टी टू और टोटल टेक्स लाइबिलिटी आपके पास आ जाएगी थर्टी सेवन थाउजेंड एट थर्टी टू सो दिस इज़ द टैक्स लाइबिलिटी इन फर्स्ट केस व्हेन ग्रॉस गिफ्टेड डोनेशन इज़ फोर थाउजेंड एंड uh, अगर आपके पास गिफ्ट डोनेशन जो है वो ग्रॉस नहीं बल्कि नेट गिवन है तो इट मीन्स दैट यू हैव टू ग्रॉस इट फर्स्ट वर्किंग आपके पास क्या आ जाती है ग्रॉस गिफ्ट डोनेशन की सो दैट इज़ फोर थाउजेंड डिवाइडेड बाई एटी परसेंट सो दिस बी फाइव थाउजेंड एज योर ग्रॉस अमाउंट अब अपने सारी ट्रीटमेंट ग्रॉस अमाउंट की फाइव थाउजेंड के हवाले से करनी है यानी पहले एडजस्टेड नेट इनकम कैलकुलेट करनी है फर्स्ट एप मेंस्ट नेट इनकम और इसके लिए हम वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड की इनकम में से फाइव थाउजेंड लेस करेंगे जो कि ग्रॉस गिफ्टेड डोनेशन है सो नो योर एडजस्टेड नेट इनकम इज़ वन लैख फिफ्टीन थाउजेंड ऑन द बेस ऑफ दिस यू हैव टू एडजस्ट द पर्सनल लोन्स पर्सनल लोन्स के एडजस्टमेंट के लिए पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं कि एडजस्टेड नेट इनकम का कितना पोर्शन ग्रेटर है वन लैख से तो ये आ जाएगा फिफ्टीन थाउजेंड उसका हाफ़ करेंगे सेवेंटी फाइव हंड्रेड तो ये सेवेंटी फाइव थाउजेंड की अमाउंट पर्सनल अलाउंस में से डिडक्ट कर दी जाएगी तो सेवेंटी फाइव हंड्रेड डिडक्ट करने के बाद आपके पास पर्सनल अलाउंस रह जाएगा फाइव थाउजेंड एंड सेवेंटी सो दिस इज़ द एडजस्टमेंट टू पर्सनल अलाउंस राइट right, अब इसके बाद अपने नेक्स्ट एक्सटेंडेड बेसिक रेट बैंड फाइंड आउट करना है बेसिक रेट बैंड वैसे तो थर्टी सेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड का है लेकिन ये अब फाइव थाउजेंड से एक्सटेंड हो जाएगा एंड नो इट विल बी फोर्टी टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड ना अबाउट हर इनकम और उसकी नेट इनकम से ही स्टार्ट करते हैं नेट इनकम थी इस की वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड इसमें से पर्सनल अलाउंस एडजस्टेड पर्सनल अलाउंस प्लस करेंगे एंड दैट इज़ फाइव थाउजेंड एंड सेवेंटी तो टैक्सेबल इनकम आ जाएगी वन लैख फोर्टीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड थर्टी इस पर टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो फर्स्ट फोर्टी टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड पर टैक्स लाइबिलिटी ट्वेंटी परसेंट कैलकुलेट की जाएगी फोर्टी टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड का ट्वेंटी परसेंट आ जाएगा आपके पास एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फोर्टी एंड देन वी नीड टू फाइंड दैट टोटल इनकम इज वन लाख फोर्टीन थाउजेंड नाइन थर्टी टोटल इनकम है वन लाख फोर्टीन थाउजेंड नाइन थर्टी उसमें से जो अमाउंट हम टैक्स कर चुके हैं फोर्टी टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड वो सब ट्रैक कर देंगे तो रिमेनिंग इनकम आ जाएगी सेवेंटी टू थाउजेंड टू हंड्रेड एंड थर्टी कि जिस पे टैक्स फोर्टी परसेंट की रेट पे कैलकुलेट किया जाएगा और इसका फोर्टी परसेंट आ जाएगा आपके पास ट्वेंटी एट थाउजेंड एट हंड्रेड एंड नाइन्टी टू सो टोटल टैक्स लाइबिलिटी वुड बी टू थ्री फोर सेवन थ्री थर्टी सेवन थाउजेंड फोर थर्टी टू सो दिस इज़ द इम्प्लीकेशन ऑफ गिफ्टेड डोनेशन कि ग्रॉस गिफ्टेड डोनेशन हो तब हमने क्या ट्रीटमेंट करनी है और अगर गिफ्टेड डोनेशन पेड मेंशन है केयरफुली कंसीडर करना है कि क्वेश्चन में आपको क्या मेंशन किया गया है कि गिफ्टेड डोनेशन पेड किया गया है या ग्रॉस है अगर पेड किया गया लिखा है दैट इंडिविजुअल हैज़ पेड इट मीन्स दिस इज द नेट अमाउंट जिसे आपने अप करना होगा नेक्स्ट बात है चाइल्ड बेनिफिट टैक्स चार्ज की क्वाइट सिमिलर टू पर्सनल हाउस उसकी ट्रीटमेंट है बट पहली बात कि चाइल्ड बेनिफिट है क्या इट इज़ अ फ्री पेमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की तरफ तो से ये एक फ्री पेमेंट है और ये चिल्ड्रन के हवाले से क्लेम की जा सकती है चाइल्ड बेनिफिट टैक्स चार्ज बट वी आर कंसरिंग द चाइल्ड बेनिफिट टैक्स चार्ज किस सूरत में चाइल्ड बेनिफिट टैक्स चार्ज जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा अब इस सिलसिले में हमारे पास अगर एक पर्सन की एडजस्ट नट इनकम फिफ्टी थाउजेंड से ज़्यादा होगी तो हमें कंसिडर करना है चाइल्ड बेनिफिट टैक्स चार्ज को इफ़ इजल और हिस्स और हर्स पाउसिबल पार्टनर हैज़ एडजस्ट नैट इनकम इन एक्सेस ऑफ फिफ्टी थाउजेंड तब हमें से एडजस्ट करना अब इसमें रूल समझने आप ये कि अगर एक पर्सन की एडजस्ट नट इनकम फिफ्टी थाउजेंड से कम है तो कोई चाइल्ड बेनिफिट इनकम टैक्स चार्ज नहीं है सी बी आई टी सी चाइल्ड बेनिफिट इनकम टैक्स चार्ज इफ़ एन परसन हैज़ और एन इंडिविजुअल हैज़ एडजस्टेड नेट इनकम लेस देन फिफ्टी थाउजेंड दैन देर इज़ नो चाइल्ड बेनिफिट इनकम टैक्स चार्ज इफ़ इट इज़ बिटवीन फिफ्टी थाउजेंड टू सिक्सटी थाउजेंड तो हमें चाइल्ड बेनिफिट चार्ज कैलकुलेट करना होगा एंड इफ़ इट इज़ मोर देन सिक्सटी थाउजेंड मीन्स कि अगर एडजस्टेड नेट इनकम सिक्सटी थाउजेंड से ज़्यादा है तो ऐसी सूरत में हंड्रेड परसेंट ऑफ चाइल्ड बेनिफिट इज़ टैक्स कि जितना भी चाइल्ड बेनिफिट रिसीव हुआ है वो टैक्स होगा इफ़ एडजस्टेड नेट इनकम इज़ बिटवीन फिफ्टी थाउजेंड टू सिक्सटी थाउजेंड कैसे टैक्स चार्ज कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट स्टेप यही है कि आइडेंटिफाई करें इनकम एडजस्टेड नेट इनकम विच इज़ इन एक्सेस ऑफ फिफ्टी थाउजेंड डिवाइड करें इसे हंड्रेड से और राउंड डाउन कर दें लाइक इफ इट इज़ अ परसेंटेज ऑफ और इस आप राउंड डाउन करके इसे सेवनटीन परसेंट कर दें नो रिजल्टेंट फिगर इज परसेंटेज ऑन विज चाइल्ड बेनिफिट टैक्स चार्जेस कैलकुलेटेड अब जो भी आपके पास फिगर आई है ये वो परसेंटेज है कि जिस परसेंटेज का आपने चाइल्ड बेनिफिट चार्ज कैलकुलेट करना सेम इज टू चिल्ड्रन है उसके टेन एंड सेवन एज के शी हैज़ नेट इनकम ऑफ फिफ्टी सेवन थाउजेंड सेम मेड पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन ऑफ़ फोटी एट हंड्रेड ग्रॉस शी रिसीव चायल्ड बेनिफिट ऑफ एटीन हंड्रेड कैलकुलेट सेम्स चायल्ड बेनिफिट इनकम टैक्स चार्ज अब चूँकि हमने चायल्ड बेनिफिट चार्ज सिर्फ उन्होंने कैलकुलेट करने का कहा है नथिंग एल्स वी डोंट हैव टू कैलकुलेट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ सेम सिर्फ हमने सेम के चाइल्ड इनकम टैक्स बेनिफिट चार्ज को कैलकुलेट करना है तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को केयरफुल रीड करना है जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक उसे सॉल्व करना है सो फर्स्ट वी हैव टू कंसिडर दैट बट इज द एडजस्टेड नेट इनकम सो एडजस्टेड नेट इनकम कैलकुलेट करने के लिए नेट इनकम में से जो कि आपके पास फिफ्टी सेवन थाउजेंड गिवन है ग्रॉस कंट्रीब्यूशन टू पर्सनल पेंशन फंड लेस कर देंगे ग्रॉस कंट्रीब्यूशन टू पर्सनल पेंशन फंड एंड दैट इज फोर्टी एट हंड्रेड ये सब ट्रैक कर देने के बाद आपके पास रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी फिफ्टी टू थाउजेंड एंड टू हंड्रेड राइट सो दिस इज द एडजस्टेंट नैट इनकम अब हमने आइडेंटिफाई करना है हाउ मच ऑफ दिस पोर्शन इज एन एक्सेस ऑफ फिफ्टी थाउजेंड पचास हजार से ज़्यादा कितनी इनकम है दैट इज ट्वेंटी टू हंड्रेड अब इस ट्वेंटी टू हंड्रेड को हमने हंड्रेड से डिवाइड करना है नो दैट इज ट्वेंटी टू परसेंट सो जितना भी हमारे पास चाइल्ड बेनिफिट उसने रिसीव किया है उसका ट्वेंटी परसेंट उसे चाइल्ड बेनिफिट टैक्स चार्ज पे करना होगा एटीन हंड्रेड का ट्वेंटी टू परसेंट सो दिस इज थ्री हंड्रेड एंड नाइन्टी सिक्स ये थ्री हंड्रेड एंड नाइन्टी सिक्स से चाइल्ड बेनिफिट टैक्स चार्ज पे करना पड़ेगा Right, so this is how we have to calculate the child benefit tax charge.